जब भी ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन की बात आए तो ओक्टा एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट रहता है। तो आज ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग के लिए ओक्टा एफएक्स क्यों चूज़ करना चाहिए। तो प्ले स्टोर पर तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन वगैरह मिल जाती हैं जो कि ट्रेडिंग के लिए ट्रस्टेड हैं और लोग उनसे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर वन फिर भी ओक्टा एफएक्स ही है। वो क्यों, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अब यहाँ पे एक तो फर्स्ट पे ये है कि ओक्टा एफएक्स बिल्कुल ट्रस्टेड है। जब आप पैसे डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करवाते हैं तो बिल्कुल सही से आपकी पेमेंट अंदर चली भी जाती है ऐप के, और आप विड्रॉल भी बहुत ज़्यादा ईजिली कर सकते हैं। पहले यहाँ पर इशू ये था कि जब आप विड्रॉल करते थे तो वो उस टाइम पे नहीं होता था, 2-3 दिन तक भी अक्सर तो लग जाते थे आपकी पेमेंट आप तक पहुंचने में। लेकिन अब ओक्टा एफएक्स ने अपनी इम्प्रूवमेंट की है और जैसे ही अब आप विड्रॉल करेंगे आपको पेमेंट विद इन 15 मिनट्स मिल जाएगी, और उसके बाद बाकी जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर उन पर विड्रॉल के इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अक्सर एप्लीकेशन पर तो विड्रॉल मिलते ही नहीं, अगर ज़्यादा बड़े हों तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे विड्रॉल बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं या अक्सर एरर की वजह से फिर मिलते ही नहीं है। उसके अलावा जो ओक्टा एफएक्स है वो हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देती है, जहाँ पे ये भी है कि आपने अकाउंट जब बनाया तो उसके बाद आप डेमो अकाउंट भी बना सकते हैं। अब बेसिकली डेमो अकाउंट क्या है, डेमो अकाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बना लिया तो आप रियल मार्केट में इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने पैसे लगाए बगैर। आप रियल मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो कंपनी को ही होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे प्रिडिक्शन लगाएंगे कि आप प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी, वो आप डेमो अकाउंट के साथ बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं जिस तरह से बाकी लोग पैसे लगा के कर रहे हैं। तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रेडिंग की, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद आप कर सकते हैं ट्रेडिंग अपने पैसे लगा के, जिसके बाद ही आपको अर्निंग होगी। डेमो अकाउंट से मैं बात क्लियर कर लूँ, आपको अर्निंग नहीं होगी, सिर्फ वो प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद ओक्टा एफएक्स की अच्छी बात है कि आप हर करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओक्टा एफएक्स में बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग है ही यही कि आप अपनी करेंसी से किसी और करेंसी में एक्सचेंज करते हैं, तो जब रेट्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो आपको प्रॉफिट लॉस होता है। तो आप यहाँ पे किसी भी करेंसी से किसी भी करेंसी में चेंज करके अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और आप रियल टाइम किसी भी टाइम आप करेंसी परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि बाकी सारी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में बहुत सारे जगह जगह प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से उनके यूज़र्स भी कम है। कभी तो आप कोई करेंसी नहीं खरीद सकते, तो कभी आप सेल नहीं कर सकते अपनी मर्ज़ी से, कभी परचेज़ नहीं, उसके बाद विड्रॉल का इशू भी आ जाता है अक्सर, और डिपॉजिट में भी अक्सर इशू आ जाते हैं। उसके बाद वो इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड भी नहीं है क्योंकि कम यूज़र्स हैं, लेकिन ओक्टा एफएक्स के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं तो आपको ओक्टा एफएक्स पे ही जाना चाहिए। पहले ही आप जाके डेमो अकाउंट बनाएं, उसके बाद प्रैक्टिस करें और फिर आप रियल ट्रेडिंग में एंटर हो जाएं, जिससे आपको बाद में बहुत सारे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो ये था सारा ओवरऑल ओक्टा एफएक्स का ओवरव्यू कि क्या क्या एडिशनल फंक्शंस हैं इसमें। तो ओवरऑल ये एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाँ, शुरू में डेमो अकाउंट में आपको काफ़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन एक दफ़ा जब आपने चीज़ें सीख ली तो आपको हर कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली ऐसी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ।